बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर फोर, टॉपिक्स है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हम आज गॉल्जी अपैरेटस पढ़ेंगे। गॉल्जी अपैरेटस जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट था, जिसका नाम था कैमिलो गॉल्जी। इसने सबसे पहले सेल के अंदर इस ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया था। गॉल्जी अपैरेटस जो है, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बिल्कुल चिपटे से थैले बने हुए होते हैं, और उनको बोला जाता है सिस्टर्नी। ठीक है, गॉल्जी अपैरेटस सिस्टर्नी से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, तो ये फ्लैट सैक लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सिस्टर्नी। ठीक है, गॉल्जी अपैरेटस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जब हम गॉल्जी अपैरेटस का फंक्शन देखते हैं, तो इसका फंक्शन होता है मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना का क्या मतलब, उसको पैक करना। ठीक है, आप देखें पीछे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली एक बायो मॉलिक्यूल है, तो जब वो बायो मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज किया जाता है, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उस मॉलिक्यूल्स को गॉल्जी अपैरेटस में इंटर कराया जाता है। गॉल्जी अपैरेटस क्या करता है, उस बायो मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन है या कोई और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लिपिड फैट्स, ठीक है, तो उसको वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, और मॉडिफाई करने के बाद उसको प्रॉपर पैकिंग उसकी करता है। ठीक है, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, तो जब उसके गिर्द उसको मेम्ब्रेन बना ली जाती है, तो ये कहते हैं कि ये गॉल्जी अपैरेटस का फंक्शन है, मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम विद मेम्ब्रेन। अब वो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में पैक हो गया, तो उसको बोला जाता है, उस मॉलिक्यूल्स को गॉल्जी वेसिकल। ठीक है, गॉल्जी वेसिकल्स बेसिकली कौन बना रहा है, गॉल्जी अपैरेटस। ठीक है, ये जो गॉल्जी अपैरेटस है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनेली है, ये गॉल्जी वेसिकल्स बना रहा है। ठीक है, अब ये गॉल्जी वेसिकल्स या तो सेल के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं, या फिर उनको सेल के बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, विच आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर। ठीक है, अब सेल से बाहर जब हमने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो एक ड्रॉप्स की शक्ल में, ठीक है, वेसिकल की फॉर्म में, जैसे सेक्रीशंस होती हैं सेल के अंदर, कोई मटेरियल बाहर रिलीज करवाना, सेक्रीशंस वगैरह कराना, उसकी शक्ल में सेल से बाहर, गॉल्जी अपैरेटस से बाहर उनको सेल के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसा ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास गॉल्जी अपैरेटस की डायग्राम है। देखें, ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, अब ये वेसिकल आया है, वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल आएगा, गॉल्जी अपैरेटस उस वेसिकल को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद उस वेसिकल्स को मॉडिफाई करेगा, उसको चेंज करेगा थोड़ा, उसके अंदर अपने अंदर उसकी पैकिंग करेगा। ठीक है, तो जब उसके गिर्द सेक्रीशन बना लेगा, एक मेम्ब्रेन बना लेगा, उसके बाद उस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये सेक्रीशंस की फॉर्म में गॉल्जी अपैरेटस ने अपने प्रोडक्ट को बाहर रिलीज कर दिए। ठीक है, ये है गॉल्जी अपैरेटस का फंक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि गॉल्जी अपैरेटस क्या होते हैं, सबसे पहले इनको किसने डिस्कवर किया था, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी डायग्राम। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।